हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजिली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसी के बारे में आज हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट बना रहे हैं कि क्या होता है कंट्रोल एंड क्या होता है कोऑर्डिनेशन, ताकि इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं उसका मकसद क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दो टर्म्स हैं, एक है कंट्रोल और एक है कोऑर्डिनेशन। चलिए दोनों को समझते हैं वन बाय वन। तो इन टर्म्स को समझने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस समझाऊंगा, इस चैप्टर का बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारी बॉडी के बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, और वो किस तरीके से करते हैं वो हम इन डिटेल में वैसे भी पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है एक्चुअली पिछले चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन है। हमने पिछला चैप्टर पढ़े थे लाइफ प्रोसेसेस, राइट, उसमें हमने पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें पढ़े हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये चार सिस्टम हमने उन चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर नहीं समझे हैं, तो पहले वो आपको देखने की ज़रूरत है। उसके बाद उन चार सिस्टम को पढ़ने के बाद अगले जो दो सिस्टम हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक है नर्वस सिस्टम और ये है एंडोक्राइन सिस्टम। ये सब क्या है इसको वैसे भी हम आगे आने वाले वीडियोज में वन बाय वन सब इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप चलिए फोकस डालते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो टर्म्स क्या हमको बताती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल की। नाम से क्लियर है कि कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, जैसे हम चाहें वैसा उसको ऑपरेट करवा सकते हैं, तो यही है कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल को वैसे ही डिफाइन किया गया कि ये पावर ऑफ रीस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेशन है। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड आया रीस्ट्रेन एंड रेगुलेशन, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अंडर कंट्रोल रखना या रोकना, अपने हिसाब से ऑपरेट करने का अगर आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है, जिसके द्वारा आप कोई भी चीज़ को या तो स्टार्ट कर सकते हो, या तो स्लो डाउन यानी कि स्पीड स्लो कर सकते हो, या उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि गाड़ी को आप कंट्रोल कर सकते हो ना, वैसे ही आपकी बॉडी को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। मान लेते हैं हम किसी को मारना शुरू कर रहे हैं, तो बहुत ज़ोर से मारना शुरू कर दी, तो स्टार्ट कर दिया हमने ये एक्शन, देन उसको धीरे धीरे मारना स्टार्ट किया, यानी कि स्पीड जो थी मारने की उसको स्लो कर दिए, एंड बाद में हमने स्टॉप कर दिए। तो इस तरीके से हम कंट्रोल कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोल, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो यही हम इस चैप्टर में इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये सब कंट्रोल होता है। ठीक है, ये वर्ड हो गया कंट्रोल। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन। तो नाम से क्लियर है, कोऑर्डिनेट करना है कि एक साथ मिलजुल करके काम करना, एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करना। तो वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जब अगर हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स, यानी बहुत सारे जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अगर वो टुगेदर यानी कि एक साथ मिल करके काम करते हैं, वर्क करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए, वो भी प्रॉपर मैनर में यानी कि सही तरीके से अगर वो काम कर रहे हैं मिल करके, जिससे कि जो सही रिएक्शन है वो अगर प्रोड्यूस हो पा रहा है, अगर वो प्रॉपर रिएक्शन हो पा रहा है, उस बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स अगर मिलकर काम कर रहे हैं उस वजह से अगर एक सही रिएक्शन मिल पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कि सब मिलकर काम कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है ये जो अप्रोप्रिएट रिएक्शन, जो सही रिएक्शन है, जो उचित रिएक्शन है, वो किस चीज़ को दे रहे हैं। तो वो रिएक्शन दे रहे हैं स्टिम्यूलस को। ठीक है, अभी नया टर्म आ गया स्टिम्यूलस, मैं आपको समझाता हूँ स्टिम्यूलस क्या होता है। देखिए, अगर सिंपल टर्म्स में मैं समझाऊँ स्टिम्यूलस क्या है, वो एक प्रकार का चेंज है, यानी कि आपके एनवायरनमेंट में आपके आसपास कोई चीज़ चेंज हो रही है, और उन चेंजेस के लिए अगर आप सही रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है, आप अगर सही रिएक्शन दे रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपके हाथ को आपको बिना बताए दूर से किसी ने वहाँ पे सुई चुभा रहा है, ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, आप रिएक्ट करते हो, क्या रिएक्ट करते हो, आप हाथ वहाँ से हटा देते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ, सुई जो आई वो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, जिसकी वजह से आपने रिएक्ट किए, अपना हाथ हटा दिए, तो जो सुई था जो आपको चुभन महसूस करवा रही थी वो हो गया स्टिम्यूलस। स्टिम्यूलस क्या होता है वैसे भी इन डिटेल में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल इतना समझो अगर आपके एनवायरनमेंट में आसपास में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं जिसको हम स्टिम्यूलस बोल रहे हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल सही रिएक्शन दिखा रहे हो अगर, और वो भी एकदम प्रॉपर मैनर में सही तरीके से, तो उसमें जो आपके बॉडी के जो अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इतना क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जान होती है, तो ऐसे सभी प्राणी जो है वो अपने चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ होती है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हुए उसके लिए रिएक्शन दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट कर रहा है,
इसी को तो बोलते हैं स्टिम्यूली। ओके, अभी जो वर्ड देखे थे वो था स्टिम्यूलस, अगर बहुत सारे स्टिम्यूलस हैं तो स्टिम्यूलाई बोलते हैं या स्टिम्यूली बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके चारों तरफ कोई भी इन्वायरमेंट है उसमें अगर चेंजेस हो रहे हैं तो हर वो ऑर्गेनिज्म, हर वो प्राणी जो है वो रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करता है उस चेंजेस के अकॉर्डिंग, उसी को बोलते हैं हम स्टिम्यूली। अब ये किस टाइप के होते हैं चलिए उसको भी देखते हैं। मान लेते हैं कहीं से बहुत तेज लाइट आई तो आप आंखें बंद कर देते हो, तो लाइट क्या हो गया? स्टिम्यूली। कहीं से बहुत गर्मी फील हुई तो आप क्या करते हो? कूलर चालू कर देते हो। तो आपके एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, ये चेंज होना ही क्या होता है? स्टिम्यूली, ठीक है। ठंडी लग रही है तो स्वेटर पहन लेते हैं, बहुत जोर से आवाज़ आती है, साउंड आता है तो कान बंद कर देते हैं, गंदी स्मेल आती है तो आप वहाँ से उठ के चले जाते हैं या फिर नाक बंद कर लेते हैं, अगर कोई आपको स्विच उभोता है, टच करता है तो आप वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो स्टिम्यूली क्लियर हो गया कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हो तो उस एनवायरनमेंट के चेंजेस को हम बोलते हैं स्टिम्यूली। ओके, अब तो जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जो स्टिम्यूली है उसको रिस्पॉन्ड जो है वो दोनों ही करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो दोनों ही जो है अपने स्टिम्यूली को रिस्पॉन्ड करते हैं, चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन उनका मैनर यानी कि जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है इतना? तो ये था कोऑर्डिनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया होगा। अगर इन सिंपल टर्म्स में बोलूँ, अपने बॉडी को आप कंट्रोल कर पा रहे हो जिसकी वजह से आप जो भी एक्शन रिएक्शन दिखा रहे हैं, ओके, वो हो गया कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन क्या है? अगर आपके बॉडी के सभी पार्ट्स मिल करके काम कर रहे हैं तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम, इसी को बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, इसी को बोलते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, जिसको हम इन डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।